दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जिंदगी के जद्दोजहद, भागम भाग, हेक्टिक शेड्यूल के बीच अम्बेडकर नामा किचन में आपका स्वागत है बहुत लंबे अंतराल के बाद। और आज अम्बेडकर नामा किचन में खास तरह की मछली बनाई जा रही है, यमुना से लाया गया है और बनाने वाले जो कुक हैं पुनः एक बार बलेंद्र हैं। बलेंद्र ही लेकर आए हैं, स्पेशल मछली है। और सबसे पहले बालेंद्र को दिखाइए, बालेंद्र अभी मछली फ्राई कर रहे हैं। और ज़रा मछली भी दिखाइए कैसा दिख रहा है, स्मोकी फिश बन रहा है, यमुना का बनाया हुआ। और उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो मछली फ्राई की जा रही है, हमारे एक मित्र हैं स्वतंत्र मिश्र, वो मछली के बहुत शौकीन हैं, तो वो बोलते हैं फिशमैन बोलता है, तो वो बोलते हैं लेकिन वो बनाते भी हैं, मैं भी बनाता हूँ। और देखिए ये मछली, ये फिश है, ये यमुना से मंगाया गया एक ख़ास तरह की मछली है और बहुत टेस्टी मछली है, मैं पहले भी खा चुका हूँ। और इसका नाम कबई है। और क्या है इसका सिस्टम बनाने का, कैसे बनेगा, वो सब धीरे धीरे अभी बात कर रहा हूँ, पूरा फिजेस दिखाऊंगा, फाइनल जब तैयार हो जाएगा तब भी दिखाऊंगा। और सीधे बलेंदर से पूछता हूँ कि क्या है ख़ास इस मछली में। ज़रा सा आप इधर आएँ, थोड़ा सा इधर आएँ और ज़रा सा मछली दिखाएं। ये कढ़ाई में लकड़ी पे, ईंट के चूल्हे पे तैयार किया जा रहा है। और बलेंदर लेकर आए हैं, फ्राई करें, सरसों के तेल में फ्राई हो रहा है फिश। और देखिए क्या ये शानदार जो है ये मछली कबई है, कबई मछली इसको कहते हैं। और ये कबई बिहार में जो कबई मिलता था उससे डिफरेंट तरह का है। बिहार में जो हम लोग कबई मछली जो खाते थे वो ऐसा मछली है, उसमें कांटे बहुत होते थे और वो पंख भी खोलता था इस तरीके से, क्या जी बलेंद्र? हाँ वैसे। और पेड़ पे भी चढ़ जाता था वो मछली, हाँ, पानी के धार की तरफ, मतलब पानी के धार की तरफ, तेज बहाव में, वो चलने वाला। बलेंद्र से पूछते हैं कि कौन सी मछली है, क्या खास बात है, कहाँ से लाए, कैसे लाए, कैसे बनाएंगे, ये सारी विधि मैं उनसे पूछूंगा। बलेंद्र जी सर, चलिए स्वागत अम्बेडकर नामा है पुनः एक बार, कबई मछली विशेष अम्बेडकर नामा। और ज़रा बताइए क्या है मामला? सर ये मछली यमुना से हम लोगों ने लाया है, हाँ। हमारे मुजफ्फरपुर के लोग काफ़ी यहाँ हैं यमुना में, अच्छा, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अच्छा, तो लोग मछली पकड़ते हैं, उनका रोजी है, हाँ। रोजी रोजगार। तो जैसे आपको फुर्सत हो गया, हमें भी आपको भी जब मछली खाना होता है तो हम बोलते हैं कि सर कुछ चाहिए मछली, चलो आज प्रोग्राम बनाते हैं, मूड बनाते हैं मछली लेके हम लोग। आज अखबार का पन्ना ले आइए मछली फ्राई रखने के लिए। तो हम लोग अब मछली आज 3 किलो लाया हूँ कबई। 3 किलो? हाँ, 3 किलो है, हमेशा तो 5-7 किलो ही आता है, कभी 10 किलो भी आया। आज गेस्ट नहीं है? गेस्ट नहीं है और लास्ट में हम लोग का प्रोग्राम बना है, मतलब एट ओ टाइम 7 बजे तक। 7 बजे, हाँ, आपको भी कहीं मीटिंग में थे तो टाइम को बहुत मतलब सेटिंग किया गया है। तो 3 किलो है। अब ये मछली यमुना का है और ये स्वादिष्ट है, बच्चा भी इसको आसानी से खा सकता है, कम कांटे का होता है, सॉफ्ट कांटा होता है, हाँ। दूसरा ये है कि टेस्टी अच्छा है, टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका, अच्छा। देसी है और ठीक है ये, और सबसे बड़ी खासियत है कि ये मछली शाकाहारी मछली, ये हाँ घास और मिट्टी खाती है, बस घास और मिट्टी खाती है मछली, मछली शाकाहारी है, ये शाकाहारी मछली है। भोजन इसका जो है, हाँ। ये अगर यमुना में या पानी में अगर ऐसा कुछ पड़ा हो, मतलब मृत प्राणी, तो उसको, हाँ। नहीं खाता है, अच्छा नहीं खाता ना, ये दूभी के पत्ता, घास, मतलब गांव में जो होते हैं ना ये चवर में, तो वहाँ तो इसका भोजन मिलता है, लेकिन यहाँ यमुना में इसको उपलब्ध है नहीं, ये चीज़ तो लोग वहाँ जाके घास वास, जैसे पालक को भी जो धोते हैं पानी में, तो उसमें जो इसका घास टूट के गिर जाता है उसी से भोजन बनाता है, तो इनका परिवारी साला की यमुना में नहीं हो पाती है, अच्छा। यमुना का माहौल इस मछली के लिए नहीं है, फिर भी ये पानी तो है नहीं तो जाए कहाँ, उसी में ये गुजारा कर रही है। नहीं तो ये कबई और बिहार वाले कबई में क्या अंतर है? बिहार के कबई जो है सो अलग है, उसकी मतलब प्राणी है वो, ये इसी है तो नाम उसका भी कबई, लेकिन फैमिली, हाँ, लेकिन इससे बढ़िया है वो, अच्छा, हाँ, बिहार वाला जो है इसे ज़्यादा जीजस है वो, हाँ। मजबूत होता है और चीमर होगा, और पानी के धार अगर खराब ही है 20 फीट ऊंचा, अगर पानी आ रहा है ऊपर तो पहुंचने की प्रयास, इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पे, हाँ, चढ़ गया, मतलब लोग भाषा बोलते हैं, लेकिन वो पानी कितना भी बहाव, हाँ, तो कांटा ऊपर ऐसे निकल, हाँ, उसका ऐसे फैल जाएगा, आप उसको टच नहीं कर सकते, अगर पकड़ लिए तो हाथ काट, हाँ, काट देता है, और बड़ी मजबूती से अपने आप को मजबूती से सेल्फ करता है अपने आप, ये है इसका। चला जरा इसको चलाइए, पहले फ्राई दिखाइए कैसा फ्राई करके बनेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा आँच जो है कम लग रहा है आज। आ जा भाई निरूप, जरा आँच लगाओ इसमें, ऐसा ही रहेगा थोड़ा सा है,
लीजिए। कवई स्पेशल है, यमुना कवई, मतलब दिल्ली वाला कवई है, बिहार वाला कवई। हाँ, मछली टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। हाँ, लेकिन टेस्ट बढ़िया है, मैंने कई बार खाया है। तो एक बार फ्राई देख लीजिए, और इसमें जब फाइनल जब आप बनाए फ्राई करने के बाद निकाल देंगे, हल्का फ्राई करेंगे ना। हाँ, बहुत क्रिस्पी नहीं, हल्का ही होगा, तभी स्वाद रहेगा इसमें। हाँ, स्वाद जान में रहेगा। हाँ, और इसमें फिर मसाला क्या पकाएंगे? मसाला में सरसों, लहसुन, अच्छा, और लाल मिर्च, और हल्का सा धनिया सूखा। अच्छा, हल्का सा धनिया। हाँ, और लाल मिर्च का इसमें फ़ौरन डाल के हम लोग इसको तैयार कर देंगे। अच्छा। ग्रेवी अभी बना के दिखाएंगे, धनिया का पत्ता डालेंगे। हाँ। और थोड़ा गढ़ा बनाएंगे ग्रेवी। ठीक, ग्रेवी। हाँ, थोड़ा सा टमाटर भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, इसको गढ़ा को मतलब इसके ग्रेवी को गढ़ा बनाने के लिए। तो चलिए, मछली फ्राई हो रहा है, और देखिए निरूप जो अखबार ला रहे हैं, अब इसमें छानने के बाद अखबार में डाल दिया जाएगा उधर। हाँ। और उसके बाद फ्राई तैयार है। पहले फ्राई कैसे हो रहा है पहले देख लीजिए, और उसके बाद जब ग्रेवी बनने का प्रोसेस होगा देसी स्टाइल में। हाँ, देसी स्टाइल में, ये अम्बेडकर नामा किचन विशेष। हाँ, खाली संघर्ष ही नहीं करना है, खाना भी है, बढ़िया पौष्टिक आहार, सेहत बनाना है, बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका एनर्जी का लेवल जो है हाई रहता है। एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए बढ़िया खाना बहुत जरूरी है। खाएंगे, एनर्जी आएगा, तभी संघर्ष होगा, लड़ाई होगा। जरा दिखाइए, आप मछली जो है फ्राई होने के स्टेज पे हो गया ये। हाँ, हो गया है, हो गया। और ये देख लीजिए मछली फ्राई, एक पीस निकाल के दिखा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्राई तैयार है। हाँ। और ये फुल फ्राई नहीं, हाफ फ्राई होगा। हाँ, हाफ ही करना है अभी। हाँ, हाफ फ्राई होना है, क्योंकि आज नीरू जी बोल दिए हैं कि हाफ ही करना है। अच्छा। तो इन्हीं की मानी जाएगी आज। ये फ्राई हो गया, तेल को निचोड़ दे। हाँ, ये सरसों तेल में है, और इसके बाद जब मसाला बनने का प्रोसेस होगा तब हम आपको फिर दिखाएंगे कि कैसे मसाला बन रहा है। अभी फ्राई देख लीजिए, समय कीमती है, आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। सिर्फ मछली फ्राई आपको दिखा रहा हूँ, फिर मसाला बनने की स्टोरी आपको दिखाऊंगा। तो बंद कर देंगे, अब देखो आ गया, आ गया है ना, वो हल्का आ रहा है ना, लेकिन वो मछली में तो फोकस हो रहा है ना। एक एक सेकंड वीडियो बन रही है। हाँ, बन तो रही है ना, रहने दो, अब रहने दो उसको, डिलीट मत करना। ये मैं बोलो मत, खाली ट्राई कर लीजिए। चलो बंद कर लीजिए, जो मसाला डलेगा। चलिए, कवई की कहानी जारी है, कवई फ्राई हो चुका है, और यहाँ पे देख लीजिए लगातार ये कवई फ्राई क्रिस्पी, एकदम बढ़िया फ्राई है। और अब बलेंदर जो है आए कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए इसमें। सर, इसमें अब ये देखिए सरसों का फोरन डाल रहे हैं। अच्छा, ये डाला इसमें सरसों का फोरन, ये पहला स्टार्टिंग। हाँ, अब ये देखिए ना, ठीक है, रहने दीजिए, कम में यही है। हाँ, उसके बाद देखिए ये लाल मिर्च डाला इसको। ओके। हाँ, ये क्या है, सर्दी में गर्माहट महसूस कराएगा। अच्छा, लाल मिर्च का फोरन। हाँ, फोरन हो गया। अब उसके बाद ये माइलेट कर दिया इसको, अब इसका कलर देखिए चेंज हो गया। हाँ। और ये मसाला क्या डाले हैं, देखा निरूप ने टमाटर काटा इधर। हाँ, अभी ये मसाला क्या क्या है इसमें, प्लेट में, प्लेट में क्या क्या मसाला है सर? ये लाल मिर्च है। हाँ। ये धनिया है सूखा। हाँ। ये पीला सरसों है। हाँ। और इधर लहसुन है ग्रेवी, सबको मिला के। हाँ, ये बनाए। हाँ, ये बनाइए। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये फाइनल हो गया, डालेंगे। अब इसको डाल दिया इसमें, और नमक डाला आपने? नहीं, नमक की इसमें भी जरूरत नहीं है। ये ये स्टाइल है सर। टमाटर का पहले, अब ये इसके माइलेट होने के बाद इसको ग्रेवी को हम पहले भूनेंगे, मिल जाएगा उसके बाद। हाँ, इसको भी भूनेंगे थोड़ा सा, देखिए इसको बेहतर स्वाद लेने के लिए इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे कलाकारी। अच्छा।
अच्छा, ताकि धनिया भी डलेगा, हरी धनिया, हरी धनिया। हाँ, अब ये देखिए, हाँ ये हमने कर दिया, मसाला भी है उसको कर लेंगे। पहले थोड़ा सा इसको चला दे, और इसका देखिए कलर चेंज हो रहा है, क्या बात। हाँ ये देखिए, ये बिहारी स्टाइल है। हाँ ये मुजफ्फरपुर स्टाइल सब है, हाँ बोल सकते हैं। नीरू जरा आँच लगाइए। हाँ आँच, अब नीरू बाबू आँच तेज करिए। और आपके ये मसाला आपने कहा तो इसको मैंने कर दिया फ्रेश, स्मोकी फ्लेवर में बन रहा है। ये ग्रेवी देखिए, और बहुत ही सिंपल है। आप भी इसमें डाल दीजिए टमाटर, सकते हैं टमाटर डालिए इसमें। हम लोग बीच बीच में खाना कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसी का ये स्टाइल है। तो ये ग्रेवी अभी बनेगा। चलिए टमाटर जरा भुनवाइए, जरा आँच लगाइए, आँच कम हो गया, अभी हो जाएगा। कोई लकड़ी पे दम स्मोकी फिश, नीचे वाला भी सरकाइए। इसके लिए आप फाइव स्टार होटल में जाएंगे तो ऊपर से लगा के नीचे वाला घुसे रही है, हजारों रुपए पीस ले लेता है खाने का। हाँ ये तो स्वाद हम लोग अपने पसंद से बना रहे हैं ना, स्वास्थ्य के लिए। और ये टेस्ट भी नहीं मिलेगा वहाँ पे कॉस्मेटिक टेस्ट मिलता है। और ये मछली भी नहीं, ये ग्रेवी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ देखिए कितना स्टाइल में जो है लकड़ी पे एकदम ग्रेवी। अब कितना मिनट लगेगा तैयार होने में? अभी इसको लगेगा सर 5-7 मिनट तो लगेगा। इतना 7 मिनट में? हाँ हाँ, क्यों सरसों पकाना पक जाएगा। अभी देखिए ना, हम लोग तो इसका स्टीम मिल रहा है पूरा भरपूर। अच्छा। ये जो है तो सरसों पका लें, ग्रेवी हो जाएगा उसका, खाली मछली डाल के मछली सुखा भी रख सकते हैं और डाल भी सकते हैं। हाँ दोनों तरीके से, और इसमें भी टमाटर भी डलेगा। टमाटर डलेगा। हाँ ये अम्बेडकर नामा किचन में बलेंदर कुक है, बलेंदर सनी। अच्छा ये लाल मिर्च का पाउडर डाल, हाँ डाल दिया, थोड़ा सा कम लग रहा था। अच्छा टेस्ट बढ़ा दिया इसको। नमक नहीं डला अभी? अभी कोई नमक की जरूरत नहीं। तो नमक कहाँ है? नमक लास्ट में डलेगा। लास्ट हम ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे ना, कितना ग्रेवी बच रहा है। तो ये मछली कितने पैसे का लाए थे? ये मछली 400 रुपये का है मेरे ख्याल से। 400 रुपये का? हाँ वही, 450 रुपये की मछली लेकर आए हैं बलेंदर। हाँ लेकिन हमने बेचारे को 400 दिया और रख लिया, जान पहचान वाले। 400 रुपये में 50 रुपये डिस्काउंट। हाँ मेरे इतनी सारी मछली है, कम से कम 10 लोग खा सकते हैं। हाँ 22 पीस है। 22 पीस है ना, और दो पीस खाए तो 10 आदमी खा सकते हैं। तो दो पीस अगर खाएं तो 11 आदमी खा सकते हैं। हाँ और देसी ग्रेवी बनाने में कितना कॉस्ट आया? मुश्किल से 100 रुपये आसपास। 100 रुपया? 100 से भी कम में मान के चलिए। नहीं 200 मान लीजिए। हाँ नहीं 200 मान लीजिए, टमाटर धनिया सब लेके। अच्छा तेल सरसों का तेल वगैरह लेके। हाँ तो 200 इसका कॉस्ट हुआ मसाले। हाँ और 450 की मछली। हाँ और 100 रुपया और मान लीजिए एक्स्ट्रा। हाँ तो 750 कॉस्ट है। हाँ खाना खा सकते हैं हम लोग कितना? 11 लोग खा सकते हैं। हाँ चावल और मछली 100 रुपया का चावल मान लिया जाए, मतलब 1000 रुपया पूरा कॉस्ट अगर हो जाए इस पूरे खाने का, तो 1000 में 11 आदमी मछली और चावल पूरे शानदार भरपेट खा सकते हैं। ठीक है। हाँ ये है, आँच लगाइए थोड़ा सा। ये है, ये अम्बेडकर नामा स्पेशल है कि आपको 1000 रुपये खर्च करके 11 आदमी को भरपेट मछली और चावल खिलाया जा सकता है इस महंगाई के ज़माने में। इस महंगाई के ज़माने में मतलब 100 रुपये से कम में भी आप खा सकते हैं मछली चावल। टेस्टी मछली चावल और घर में बना हुआ, लकड़ी पे बना हुआ शुद्ध। हाँ और उसमें कोई मिलावट नहीं। तो ये अभी फ्राई चल रहा है, अभी मसाले का भुनाई चल रहा है, और देखिए कितना शानदार इसका कलर आ रहा है। और जो बहुत सारा आप किचन फूड में देखते हैं, किचन देखते हैं तो पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया जाता है, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये पूरा देखिए आप, वाह। टमाटर आपने नहीं डाला? अभी नहीं है ना, इसको मसाले को सुखाना है। अभी सूखने के बाद टमाटर डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर करेंगे एक बार और फ्राई। ऐसा ही। अच्छा हाँ इसको पका रहे हैं। ओ हाँ ग्रेवी में भी खा सकते हैं। हाँ इसमें डुबा के एकदम लजीज बन जाएगा, लबालब मछली बोल सकते हैं उसको। लबालब मछली लबालब मछली। इसमें सरसों का कमाल है। हाँ सरसों और लहसुन लहसुन। हाँ लाल मिर्च भी है इसमें, धनिया पाउडर भी है, और थोड़ा इसमें टमाटर डलेगा। टमाटर डलेगा, टमाटर की तरह सेहत बनाने के लिए। वैसे बलेंदर को बधाई दीजिए, बलेंदर
ये बेटी अभी डॉक्टर बनने वाली है, दांतों की डॉक्टर, बीडीएस। और बलिंदर ने बहुत ही मेहनत करते हैं, बलिंदर छोटा मोटा काम करते हैं, पान का काम करते हैं, टेम्पू चलाते हैं। एक बेटी को लॉयर बना के, लॉयर लॉ पढ़ रही है, सेकेंड ईयर हो गया, सेकेंड ईयर है, LLB दी उसे। एक बेटी लॉयर बनने जा रही है, एक बेटी बनेगी डॉक्टर, और तीसरी बेटी अभी किस क्लास में है? ये 10वीं में है, टॉप करी है स्कूल में, वो भी टॉप की है स्कूल में, 10वीं में। और बेटा? बेटा 5वीं में। बेटा 5वीं में है, तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन तीनों बेटी को शानदार एजुकेशन दे रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से शानदार मछली बना रहे हैं। और इनके पूरे बच्चों को मैं जानता हूँ, और सारे बच्चे मेहनती है, और देखिए कैसे धीरे धीरे ये ठीक होता जा रहा है ना। यस, ये ठीक होता जा रहा है, ग्रेवी अब पक रहा है पूरा। वाह, तो अभी आप दिल्ली में हो और जा रहे के समय हो, और हमें फ़ोन करिए, आइए, स्वागत है अम्बेडकर नामा किचन में। आप आए, खाना खाएं, स्पेशल मछली आपको इसी तरह से बना के खिलाया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि पहले मुझे सूचना दें, और अम्बेडकर नामा देखते रहिए, अम्बेडकर नामा जब देखेंगे समझेंगे, और हमारे दोस्त हैं तो बेहतर है, वैसे हमारे यहाँ शत्रुओं का भी स्वागत होता है, उनको भी उसी अंदाज में मैं खाना खिलाता हूँ, उनका भी मेहमान नवाजी करता हूँ। अब देखिए ये पक रहा है, अब बहुत जल्दी पका है। वाह क्या बात, खाना मैं एक बार बार कहता हूँ, खाना जो है तेल मसाले में नहीं, देख लीजिए बिना दिल से पकता है, और जब तक आप खाना बनाने में दिल नहीं लगाएंगे ना, तो वो खाना बनता नहीं बढ़िया, बिना तेल का है। और इसमें देख लीजिए कहीं तेल नहीं नज़र आएगा, कहीं तेल नज़र आ रहा है? देखिए पहले हल्का सा तेल डाला गया है, हल्का सा, और उसी में इसको पकाया जा रहा है, लेकिन तबीयत से इसको चलाया जा रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ, खाना तेल मसाले से नहीं, दिल से बनता है, और मैं खुद भी कुक हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और खाना बनाने से ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं खाना बनाकर दोस्तों को खिलाऊं, ये सबसे बेहतरीन होता है मेरे लिए। खाना मैं कम खाता हूँ, इसे एक दो रोटी से ज़्यादा नहीं खाता, मछली भी एक दो पीस से ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन मुझे खिलाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए दिल रखिए, जो भी साथी सुन रहे होंगे, पैसे जेब में हो चाहे नहीं हो, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल जब बड़ा रखेंगे तो जाहिर है कि सब कुछ आ जाएगा। और देखिए कहाँ से नीरू पा के चूल्हा लगाए, जला रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं, ये मछली महज ये पूरे कॉस्ट 1000 रुपये का है, और उसमें 11 लोग खाना खा सकते हैं, सोचिए दिल्ली जैसे शहर में। आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा, जब मछली तैयार हो जाएगा तो पूरी वीडियो में तब दिखाऊंगा। मसाला तैयार है, बगैर तेल में भी कैसे खाना बनता है देख लीजिए, उसमें कहीं तेल नहीं दिख रहा होगा। और अब टमाटर डालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, टमाटर अब डाला जाएगा इसमें, और टमाटर के रस में ही, उसके जो जूस होता है टमाटर का, उसी में थोड़ा मसाला पकाया जाएगा, और जब मसाला पक जाएगा थोड़ा पानी डाला जाएगा। लीजिए क्या बात है, अब ये पकेगा टमाटर के जूस में ही पकेगा ना, ये मसाला इसी में, पानी डालने की जरूरत नहीं है, ना हल्का पानी डालेंगे अभी नहीं, रोके थोड़ा आँच तेज हो गया नीरू साहब, जरा ना, कोई नहीं, रंधी हो जाएगा, उसको भूल जाएगा। देखिए तेल कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है तेल? ना ना, बगैर तेल में भी खाना बनाया। ये देखिए शुद्ध मिनरल वाटर डाल दिया, क्या बात, अब इतने में पूरा पक जाएगा, पूरा टमाटर वगैरह पक जाएगा, और पानी डालेंगे थोड़ा इसको। हाँ क्या बात, ग्रेवी को मछली के लेवल में ले आना, लाइए महाराज पानी, मछली थोड़ा मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। हाँ नमक देखिए, ये जो है ये कवई फ्राई,
और इसका खासियत यह है कि कांटा लंबा होता है, ऊपर से इसे उठाए खा सकते हैं, आसानी से खा सकते हैं हम, आसानी से इसको खा सकते हैं आप। ऐसे उठाना है और सीधा ऐसे ऐसे जो है उठा के खा लेना है। टमाटर गल गया इसका, देख लीजिए। तो मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये कवई का कमाल, कवई कहानी जारी है। देख लिया कैसा टेस्ट है बताइए पहले। बहुत शानदार, बढ़िया। अब कांटा बीच में ऊपर से खाली ऐसे उठाइए, अब दोनों तरफ से इसे उठाइए और खाइए। फ्राई करके भी खा सकते हैं स्नैक्स के तौर पे। वाह बहुत शानदार, रियल टेस्ट आ रहा है। दिल्ली में जमुना का एंजॉय है ना, जमुना के मछली ये जिंदा वहाँ से लाया गया। क्या बात, वाह कभी दिल्ली आइए तो मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, आप वो खिलाएंगे। बोलना पड़ेगा पहले। हजारों किलोमीटर ट्रैवलिंग करने के बाद कभी कभी क्लास लेना, चार दिन पांच दिन छुट्टी के दिन में ट्रैवलिंग करना, और कभी कभी जो है ना इस तरह का किचन इंजॉय करना, बहुत मज़ा आता है। इसलिए जीवन में हर समय रोने गाने का नहीं, आनंद लेने का भी समय निकालिए। जीवन रोने गाने का नहीं, एंजॉय करने का भी टाइम है। खाना खाइए आराम से, बच्चों के साथ रहिए। और ईशान लाल का शुक्रिया, मेरे बेटे हैं अम्बेडकर नामा के असिस्टेंट हैं और लगातार कैमरे के पीछे कई वर्षों से लगातार काम करते रहते हैं। स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते हैं। कैसा है सवाल सर? बहुत बढ़िया। स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते हैं ईशान, और हिस्ट्री पढ़ना है सेकंड ईयर। कैमरा वही संभाल रहे हैं। निरूप इधर आ जाओ, जरा निरूप का चेहरा दिखाओ, इधर आओ। आगे ये मछली खा के सर एनर्जी जो आएगा आपके शरीर में, ये यही दलित शोषितों की लड़ाई लड़ेंगे आप, इसलिए हमने इसमें टेस्ट और जान डाला है टेस्ट में। हाँ। कि टेस्ट बढ़े और आपके अंदर एनर्जी डबल आए। हाँ। क्या बात है, क्या बात है? डबल आए। और सर जो है पूरा तैयारी में सब आ गए। और क्या कर रहे हैं अपने बारे में बताइए। सर मैं अभी दिल्ली से आपसे तैयारी कर रहा हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। कौन से बच्चों को पढ़ाता हूँ? 12th क्लास का बच्चों पढ़ाता हूँ, 6-12th क्लास में पढ़ाता हूँ, और 6-11th मैथ पढ़ाता हूँ, और 6-10th देखिए फोर्थ साइड पढ़ाता हूँ। अच्छा, देखिए मैंने कहा था ना, जिसमें ऊपर से उठाया खाते रहिए, कांटा सीधा निकल जाएगा इस तरह का। ये है कवई का की कहानी, कवई का कमाल। देखिए कांटा सीधा ऐसे रहेगा, ऊपर से उठाया खाते रहिए, है ना? हाँ नीरू, तो आप पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ जी सर। कितना पैसा कमा लेते हैं सर? अभी तो हो जाता है क्योंकि खास हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो अपना खर्चा चल पाता है। तो अपना खर्चा नीरू निकाल रहे हैं, पढ़ाने की तैयारी करते हैं, और कभी कभी हमारे पास आते हैं वो मछली बनाने में से वो करता है। देखिए अब जरा दिखाइए मसाला पूरा। टमाटर पिघल गया पूरा, तेल तेल गरम नज़र नहीं आ रहा है, तेल और टमाटर गायब। और दूसरा जो है से मैं अम्बेडकर नामा के जो किचन है नीरू जी, मैं इसमें मदद करता हूँ। हाँ करना चाहिए। अच्छा, रतन सर है मेरे गांव के मुजफ्फरपुर के भाई हैं, और भाई क्या है समझिए, मैं इनको अपने बड़े भाई के साथ मैं अपने बाप समान गार्जियन भी मानता हूँ। मुझे किसी तरह की परेशानी आ जाए दिल्ली में तो 24 घंटा तैयार रहते हैं। अगर रात को मैं 2 बजे भी किसी तरह की समस्या में फंस जाऊं, तो सर मेरा फ़ोन उठाते हैं और उस समय के लिए तैयार रहते हैं। और शुक्रिया है, सबका फ़ोन उठाते हैं। हाँ, दूसरा सर जैसे बोले कि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमने बच्चे के लिए किया, तो ये सर के पास आता हूँ तो एनर्जी मुझे मिलती है, और एनर्जी के साथ साथ आपको मदद भी चाहिए। मेरे मित्र दोस्त और रिश्तेदार बहुत हैं यहाँ, कभी मुझे पैसे की ज़रूरत होती है ना तो मुझे सोचना नहीं होता है,
बस सर को फ़ोन करना होता है, फ़ोन करने के बाद अगर ये व्यस्त भी रहते हैं तो एटीएम दे देते हैं कि भाई ये एटीएम कार्ड लो और पिन नंबर इतना है जाके, मेरे को याद नहीं है पिन नंबर कि मैं आपको बता दूँगा मित्र नवा पे तो पिन नंबर बता देते हैं सर, मैं जाके पैसा निकाल लेता हूँ और अपना काम करता हूँ। फिर जब हमें एक महीना दो महीना चार महीना छः महीना पे पैसा होता है मैं रिफंड कर देता हूँ, चाहे एक साल भी हो जाए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है कि अभी आपको और एक बताऊँगा कि शायद किसी को पता नहीं होगा कि मैं बिहार, मेरी माँ के ऊपर लाइसेंस लग गया था नीरू जी, तो पीछे क्या हुआ कि मेरे माँ को पैरालिसिस लग गया तो घर गांव गया नीरू जी, तो गांव गए वहाँ तो बहन के लड़की का भी शादी था, पैसे हो गए वहाँ ख़त्म, टिकट बनाना था और सर के ऊपर वो वारंट था जो भी था, केस था, हाँ मुकदमा हो गया था दर्ज। तो मैं सर गांव में था, पैसे की मुझे दिक्कत हो गई, टिकट कटवाया, वो बोला कि टिकट का पैसे दोगे नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर भी बहुत परेशान थे क्योंकि अरेस्ट होने का मतलब पूरा वो था कि अब हो जाएंगे, एक घंटे बाद हो जाएंगे, दो घंटे बाद हो जाएंगे। तो फिर मैंने ईशान को फ़ोन किया कि भाई ईशान समस्या है टिकट वाली, पैसा भेजो टिकट का। तो ईशान ने 1800 रुपया दिया कि भाई आप अपना आओ, सर तब तक अरेस्ट हो गए। तो सबसे बड़ी बात मेरा बोलने का ये है कि सर एक आदमी खुद अरेस्ट हो गया है लेकिन फिर भी वो आदमी हाँ किसी मुसीबत में दूसरे व्यक्ति की भी समस्या को समझ रहे हैं। तो अब इससे बड़ा गार्जियन आपको कैसा चाहिए है? तो जिस दिन अरेस्ट हुआ था उसी दिन पैसा लिया था सर, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं था, नहीं ना था कि मैं पैसा लिया हूँ। फिर मैं दिल्ली आया तो सर को बताया कि सर मैं 1800-1900 रुपये जो भी लिया हूँ टिकट का ईशान का वो देना है। तो बोले सर कोई नहीं, दे देना जब होगा। तो पैसे की पारिवारिक समस्या जो भी हमारे को किस तरीके की हेल्प चाहिए तो सर देते हैं, गार्जियन की तरह है और पिता समान है मेरे, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सर भी मेरे को बहुत इज्जत करते हैं। अरे भाई एटीएम कार्ड तो इसलिए देता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे बहुत कम कितना पैसा निकाल लेगा। हाँ लेकिन फिर भी तो जो भी मेरे मेरा अकाउंट देखा भी होगा कि पैसा उसमें होते ही नहीं। दर्शकों को ये बताना जरूरी था कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका सहयोग है। अरे ठीक है बच्चे, हम तो मेहनत मजदूरी कर ही रहे हैं लेकिन आपको ये हमारे यहाँ बहुत ऐसे गांव के लोग हैं चाचा वगैरह जो भी बड़े बड़े पोस्ट में हैं दिल्ली में, लेकिन पाँच छः हज़ार रुपया भी मैंने बच्चे के एडमिशन के लिए बोला कि मेरे को फीस भरना है दे दीजिए, तो बोले कि नहीं हो पाएगा। वो वैचारिक रूप से आपके संपर्क नहीं है? हाँ वैचारिक रूप से संपर्क तो है लेकिन उनकी जो जो सर का जो व्यू है कि हमारे समाज के गांव के डिस्ट्रिक्ट के बिहार के या जो हमसे जुड़ा है उसका बच्चा भी कुछ स्ट्रगल करे, आगे बढ़े, आगे तभी बढ़ेगा जब उसको पैसे की भी दिक्कत होगी तो मदद किया जाएगा, मदद मिले तो। अच्छा हमारे जो दोस्त हैं जानने वाले जिनसे मैं पैसे की बात कर रहा हूँ वो उनसे सिर्फ आप बात कर सकते हैं घंटों फ़ोन पे, फ़ोन पे बात करने के लिए अपना है वो, लेकिन आपको मदद करने की बारी आएगी तो आपको कहेंगे कि नहीं बाबा साहब का मिशन जो पेवे की सोसाइटी वो नहीं, ना ना, लेकिन आपको मानेंगे, बोलेंगे जय भीम, हाँ जय भीम, हाँ बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ और हमको आरक्षण चाहिए, हम ओबीसी में हैं, आरक्षण की लाभ लेना चाहते हैं वो, लेकिन बाबा साहब का जो सपना है उसको पूरा नहीं करना है। तो बात करते करते अब ग्रेवी तैयार हो गई। हाँ तो रतन सर का ऐसा नहीं है, ये किसी को मदद करते हैं तो प्रॉपर जी जान लगा देते हैं कि मेरे साथ, मैं अकेले आदमी हूँ ना, सबकी मदद नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हमारा तो मदद होता है, हमारा तो मदद होता है चाहे किसी रूप में हो। मेरे पास जानते हैं एक बात, रोज मुझे फोन आते हैं मुझे ये कर दीजिए, मुझे इतना पैसा इकट्ठा कर दीजिए, मैं चंदा रोज नहीं मांग सकता ना। हाँ अच्छा बच्चे का फीस उस भी भरे तो सर से पैसा का मदद नहीं मिला लेकिन उन्होंने कोचिंग सेंटर में फ़ोन करके मेरे को कुछ माफ़ करवाया कि भाई ये आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर है और इसको थोड़ा रियायत कर दी, तो रियायत हो गया था 40-50 हज़ार रुपये का रियायत हो गया था कोचिंग सेंटर से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी बच्चा हमारा कर रहा है तो उसमें सर का भी योगदान है, और जैसे ईशान है, आद्या है, दो बच्चे इनके हैं, मेरे हैं, सब एक परिवार है हम लोग, और रतन सर चार भाई हैं तो मैं भी पांचवा भाई हूँ। कई लोग सर को आके बोलते हैं कि आप राम हैं तो ये भी वो है हनुमान है तो पूरा एक परिवार बना हुआ है।
तो इसलिए हम लोग आते हैं मछली बनाते हैं। अच्छा आपको एक और बता देता हूँ कि मछली मैं खाता नहीं, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ। बलंदर सहनी मल्लाह है ना, मछली नहीं खाता मैं। और ये मल्लाह मतलब मछली जो पकड़ते हैं वो लोग हैं, और बलंदर कभी मछली नहीं खाता। हाँ लेकिन ये है बनाता बहुत बढ़िया, ईशान के लिए, आद्या के लिए, सर के लिए, और जो भी परिवार के लोग यहाँ आते हैं सर के पास उनके लिए मछली बनाता हूँ। लोग खाते हैं, च्वाइस करते हैं हमको, और बच्चे अच्छे स्वाद हम लोग देते हैं मछली का। ये तो है। और आप भी आकर के इस मछली का टेस्ट ले सकते हैं। चलिए शानदार निमंत्रण है। अब जो फाइनल स्टेज में है, ग्रेवी तैयार हो चुका है। अगर आप फ्राई खाना चाहें तो ऐसे खा सकते हैं, और ये ग्रेवी तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा पानी डाल के उबालना है इसको, उबालना है और उसमें मछली आप डाल दें। और अगर खाने का जब मन है फ्राई तो फ्राई खाइए, नहीं तो जब मर्जी है ग्रेवी के साथ आप खा सकते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और अम्बेडकरनामा किचन से आज कवई की कहानी, कवई विशेष, रतनलाल बोल रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हर समय रोने गाने का नहीं, हंसने बोलने का भी, खाना खाने का भी पूरा एक अंदाज अपना होना चाहिए। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शुक्रिया।